नाउ सिक्स नंबर चैप्टर पैराग्राफ मम प्रिय कवि कवि कालिदास, ठीक है, कालिदास के विषय में वर्णन कर सकते हैं। महाकवि कालिदास संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में, साहित्य में इनको कवि कुल गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया है। महाकवि कालिदास महान काव्यकार, नाटककार, गीतिकार थे। आए ये महाकवि राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये महाकवि सात काव्यों की लोक प्रसिद्ध, इन महाकवि की सात काव्य लोक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, चत्रीणी नाटक, कालिदास विरचित, इन तीन नाटक कालिदास ने विरचित किए। रघुवंशम, कुमार संभवम, चाश्य द्वे महाकाव्य स्वप्रसिद्धे स्तः। रघुवंश, कुमार संभव, ये दो महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हैं। मेघदूत, ऋतु संहार, चाश्य कवि द्वय खंड काव्य स्तः। मेघदूत और ऋतु संहार ये काव्य दो खंड में विभाजित हैं। अस्य कवि उपमा प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, यानी कि इस कवि की उपमा विश्व प्रसिद्ध है। सौंदर्य वर्णन में कालिदास अनुपम है, इनका काव्य श्रृंगार रस प्रधान है। अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षण, इनकी जो काव्य प्रतिभा विलक्षण है अद्भुत है। नेक्स्ट पे चलेंगे महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि के विषय में वर्णन कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, इन्होंने सर्वप्रथम काव्यों की रचना की। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि इस नाम से भी विख्यात है। अस्य रामायणम काव्यम आदि काव्यम मनते, इनकी रामायण काव्य आदि काव्य मानी जाती है। किवदंती अस्ति यत अयम पूर्व 84, किवदंतियां हैं कि ये पहले चोर थे। सप्तर्षीणाम संगात अयम तपस्याम कृत्वा महाकवि अवत, सात ऋषियों के संग हो करके इन्होंने तपस्या की और महाकवि कहलाने लगे। अस्य आश्रमा तमसा नद्या तीरे आसीत, इनका जो आश्रम है तमसा नदी के किनारे है। अयम महर्षि भगवता श्री रामस्य समकालिक आसीत, ये महर्षि भगवान श्री राम के समकालिक थे। भगवतः ब्राह्मण आदेशेण अयम रामस्य चरित्रम निबद्धवान, भगवान और ब्राह्मण के आदेश से इन्होंने राम के चरित्र का निबद्ध किया, रचा। अयम एक महान कवि चिंतक दार्शनिक विद्वान चासी, ये एक महान कवि चिंतक दार्शनिक विद्वान थे। इनके आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ, तौ अस्यौ शिष्यौ आस्ताम, ये इनके दोनों शिष्य बने, ठीक है। नेक्स्ट है विजयादशमी, विजयादशमी पे चले। विजयादशमी भारत वर्ष का प्रमुख पर्व है, यह पर्व कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। अश्विनी इस दिन भगवान श्री राम ने लंका में विजय करके रावण को जीता था। इनकी विजय के उपलक्ष्य में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। एतस्मिन अवसर इस अवसर में देश में सभी जगह रामलीला का आयोजन होता है। राम का जो चरित्र है हमारे लिए सत्य आचरण के समान है, इन्होंने दुष्टों का वध किया, यह प्रेरणा के समान है। अंतिम दिवस में राम रावण का युद्ध होता है, युद्ध के अनंतर में राम रावण कुंभकर्ण मेघनाद की प्रतिमा का दहन किया जाता है। वस्तुतः विजयादशमी असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक है। इसका संदेश है राम के आचरणों को मानना चाहिए, ना कि रावण आदि के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मम प्रियम पुस्तक, मेरी प्रिय पुस्तक, श्रीमद् भगवत गीता मेरी प्रिय पुस्तक है। यह महाभारत के शांति पर्व में गृहीत है। गीता भगवत वेद व्यास जी ने रचना की। गीता में शब्द शतम 700 श्लोक हैं। गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण, श्रोता च अर्जुन अस्ति। गीता के जो वक्ता भगवान श्री कृष्ण, श्रोता च अर्जुन, अर्जुन श्रोता, भगवान कृष्ण वक्ता है। गीताया भगवता कृष्णेन आत्मनः नित्यत्वं प्रतिपादितम्, गीता में भगवान कृष्ण अपनी आत्मा को प्रतिपादित किया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण मतेन
श्री कृष्ण के मत से मानव का केवल कर्म ही करना चाहिए, फल तो ईश्वर के अधीन है, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, अतः आत्मा अमर है। मानव सदा ईश्वर के अर्पित अपनी बुद्धि को अर्पित कर दे और कर्म करे, इत्येव गीता या सार, यह गीता का सार है। थैंक यू स्टूडेंट।